Hey guys, welcome back to my channel. This is me Ankita and you are watching me on Ankari Styles. And अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. ठीक है, सो आज की जो वीडियो है दैट इज गेट अनरेडी विद मी एंड ये स्पेशल 2021 गेट अनरेडी लुक है, वीडियो है एग्जैक्टली. ठीक है, सो मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप मेकअप तो कर लेते हैं लेकिन मेकअप के बाद उसको रिमूव कैसे करना होता है, सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी. एंड अगर आपको ये हाइलाइटर पसंद आ रहा है तो वीडियो जल्दी आने वाली है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है तो ज़रूर से देखिएगा, रिव्यू आने वाला है. और अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर से देख सकते हैं इस मेकअप लुक को मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है. बहुत ही स्पेशल मेकअप लुक है, आई होप कि आप सभी को पसंद आएगा. चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मेकअप को रिमूव करने से पहले आपको अपने कंफर्ट जोन में आना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए मिलते हैं अपने कंफर्ट जोन में आने के बाद. अब कंफर्ट जोन क्या होता है, सबसे पहले आप अपने हेयर्स को टाई कर लें, उसके बाद आप अपने क्लोथ्स चेंज कर लें, ठीक है, आउटफिट चेंज कर लें एंड अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं स्किन केयर के वो सभी अपने सामने रख लें सो दैट कि ईजी हो जाए आप लोगों के लिए. सो वो सारी चीज़ें करने के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ और फिर हम करेंगे अपना मेकअप रिमूव एंड देन स्किन केयर. तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में. सो गाइस, यहाँ मैं आ गई हूँ अपने कम्फर्ट जोन में. एंड तो सबसे पहले हम मेकअप को रिमूव करने से पहले मैं अपनी इयररिंग्स भी निकाल लूँ, ठीक है. और इयररिंग्स निकालना तो बहुत ज़रूरी है. आज जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाले हैं मेरी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं और आई होप कि आप सभी को पसंद आएंगे क्योंकि आज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं बिल्कुल. सो या देखो, रिमूवर सेम है, ये है गार्नियर का माइसिलर क्लिनजिंग वाटर. ये सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेकअप को रिमूव करता है, क्लीन करता है आपकी मेकअप को, प्लस स्किन को स्मूथ बनाता है. एंड ये जो है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड इसके अंदर आपको ना 125 ml मिलता है, तो जो कि आप 60 बार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 60 uses आप इसके कर सकते हो इजीली. एंड ये बहुत अच्छा है, इसकी MRP बहुत ज़्यादा नहीं है, 175 इसकी MRP है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. गार्नियर एक जाना माना ब्रांड है स्किन नेचुरल्स का, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. साथ में मैं जो है कौन से वाइप्स यूज़ करने वाली हूँ, वाइप्स के लिए आई एम यूजिंग दिस. सो दिस इज़ बेला कॉटन वाइप्स जो कि बहुत अच्छे हैं, 100% कॉटन वाइप्स हैं. इनका जो रिव्यू है मेरे चैनल पे है, इसका रिव्यू मेरे चैनल पे है, ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, रिव्यू की प्लेलिस्ट ज़रूर से देखो. और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, तो आप ज़रूर ले सकते हैं. सो गाइज, इस वाइप्स में मैं जो है इस प्रोडक्ट को डालने वाली हूँ इस तरीके से, ठीक है, एंड हम अपना पूरा मेकअप रिमूव करेंगे. फाइन, तो सबसे पहले हम इस तरीके से आई का मेकअप रिमूव करेंगे लाइक दिस सर्कुलर मोशन में एंड बहुत इजीली जो है मेकअप निकल के आ जाएगा आपके सामने, आप देख सकते हो. इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आपका जो कहते हैं ना मस्कारा तक भी बहुत इजीली निकल जाता है और इवन वाटर प्रूफ जो होते हैं ना वो भी आराम से निकल जाते हैं इससे. सो इस तरीके से रिमूव करने के बाद मैं जो है यूज करूंगी फेस वॉश, ठीक है. सो फेस वॉश के लिए आई एम यूजिंग दिस इज हिमालय नीम फेस वॉश जो कि बहुत अच्छा है, प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश है. ये पिंपल से प्रिवेंट करके रखता है आपको. नीम और टर्मरिक जो है बहुत अच्छा होता है, सो ये उसका कॉम्बो है. सो आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी बिग वाली बॉटल है, 200 ml इसमें आपको मिलती है एंड दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स के लिए काफ़ी अच्छा है ऐसा ये कहता है. और ये इस तरीके से ना ये ऐसे खुलता है, कैसे, हाँ ऐसे खुलता है और इसको आप ले लो इस तरीके से एंड उसके बाद आप फेस वॉश करो. और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में फेस वॉश के बाद. फेस वॉश यानी कि आपको इससे इस तरीके से लाइक रब करके फेस पे लगाना है और 30 से 60 सेकंड्स तक आपको मसाज करनी है, यानी कि 1 मिनट तक. उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है, ठीक है, वॉश कर लेना है. बहुत लोग जो हैं गलतियाँ करते हैं, फेस वॉश मतलब होता है बट वो कुछ और ही कर लेते हैं,
प्लीज इस बात का ध्यान रखें, आपकी स्किन अपना ख्याल रखें। फेस वॉश मतलब प्रोडक्ट लगाना है, 1 मिनट के लिए करना है या फिर 30 सेकेंड के लिए करना है या 60 सेकेंड के लिए करना है, उसके बाद उसको लगाने के बाद आपको वॉश करना है पानी के साथ, उसको धो लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। मैं इसलिए बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं और मेरे पास कुछ ऐसे आए भी हैं लोग जिन्होंने गलतियाँ करी है, और बस ठीक है। सो मैं आप लोग साथ यही शेयर करना चाहती हूँ। चलिए मिलते हैं फेस वॉश के बाद। सो गाइज, फेस वॉश के बाद क्लीन टॉवल यूज़ करना है, गंदा टॉवल का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अपने चेहरे का ध्यान रखना है तो साफ़ सुथरी चीज़ों को यूज़ करना है, एंड इस तरीके से रगड़ रगड़ के नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्लीन करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, ये है रोज़ वाटर, दिस इज़ न्यू वन फॉर मी, ठीक है। मैं इसको पहली बार यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल रोज़ ग्लाइस, पता नहीं क्या है, जो भी है इसके प्रोनाउंसिएशन, ग्लिसरीन विद रोज़, ठीक है। इसके अंदर आपको ग्लिसरीन मिलता है एंड रोज़ का एक्सट्रैक्ट भी है साथ में, ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है, एंड वैसे ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, रिपेयर करता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। इसके MRP 105 है, एंड ये जो है नेचुरल स्किन टोनर है बेसिकली, एंड एक मॉइस्चराइजर है, और इसके अंदर आपको 100 ग्राम मिलता है, साथ ही साथ 25% फ्री भी मिलता है, पैराबिन फ्री है, तो ये इसकी अच्छी बात है, पैराबिन फ्री है। तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये इस तरह की कुछ बॉटल है जो दिखती है, ठीक है, एंड इसी को हम आज यूज़ करते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से मैं इसको अपने हाथ पे ले रही हूँ, एंड ये इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सीरम टाइप लग रहा है मुझे ये, ना ये सीरम टाइप है। सो इसको थोड़ा सा ले लिया है, एंड उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ, एंड बहुत थिक है, मतलब ये लाइक अ सीरम है, थिक इन फॉर्म है। और मैं इसकी पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लूँ। ओके, इसको मैं डायरेक्टली ही अप्लाई कर रही हूँ, एंड लाइक दिस। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, और लाइक अ सीरम है ये, और मुझे बहुत अच्छा लगा है ना, आप देख सकते हैं इंस्टेंट ग्लो मेरे चेहरे पे, माय गॉड इट फील्स सो अमेजिंग, एंड चिपचिप नहीं है, चिपचिप बिल्कुल भी नहीं है, लाइक अ सीरम है ये। सो मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, वाओ अच्छा है और नाइस, और आप देख सकते हो इंस्टेंट ग्लो दिख रहा है ना आपको मेरे चेहरे पे, वाओ। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको मैं थोड़े दिन और यूज़ करूँगी, एंड देन मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। डेफिनेटली बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब बहुत अच्छा लगा यार 105 में, क्या है, मतलब यार इट्स अमेजिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो इसको यूज़ करेंगे, देन शेयर करेंगे इसका रिव्यू। ओके, इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिप बाम, ठीक है। अपने लिप्स को भी हमें प्रेप करना चाहिए, तो लिप के प्रेप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम। ओके, सो ये जो लिप बाम है ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की लिप बाम, जो कि लेमन फ्लेवर है, एंड या सो इसने मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर दिया है। उसके बाद मैं जो है यूज़ करने वाली हूँ, कोई भी आप क्रीम यूज़ कर सकते हो, तो मैं यूज़ करूँगी, चलो आज हम ये यूज़ कर लेते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, हिमालय का नरिशिंग फेस मॉइस्चराइजिंग लोशन है। इसको थोड़ा सा मैं ले रही हूँ, लाइक 2 ड्रॉप्स, ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसकी एप्लीकेशन करूँगी अपने चेहरे पे इस तरीके से,
लाइक दिस, लोशन लगा लिया है. ओके उसके बाद बारी आती है एश्योर का. ये है हैंड एंड बॉडी लोशन जो कि एनरिच्ड है विद नेचुरल ऑलिव ऑयल के साथ. तो मैं अपने इसको लाइक हाथों पे लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा नेक पे मैं इसको अप्लाई करूँगी. ये लोशन बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, और लोशन आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए अपने हाथों पे, पैरों पे, ठीक है. जिससे कि क्या होता है कि आपकी बॉडी में ना एक मॉइस्चर बना रहता है और सॉफ्ट बनी रहती है आपकी स्किन. सो आप इसको ज़रूर से अप्लाई किया करो. सो इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है एंड आप इसे अपने हाथों पैरों पे कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. कोई भी जो एश्योर के प्रोडक्ट्स हैं आपको अगर लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूंगी. सो चेक इट आउट, आप मैसेज करके पता कर सकते हो. उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये है हिमालय की अंडर आई क्रीम, और इसको मैं यूज़ करूँगी एंड अपने अंडर आई पे इसको लगाने वाली हूँ. और ये क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगी है और इसको मैं अभी यूज़ कर रही हूँ. इसका रिव्यू मैंने अभी नहीं शेयर किया है तो मैं थोड़ा और इसको यूज़ करना चाहती हूँ. तो ये कुछ इस तरीके दिखती है और इसकी ना मैं एक डॉट इस तरीके से लूँगी, ठीक है, एंड अपने अंडर आई एरिया पे इसको अप्लाई कर लूँगी, ठीक है, इस तरीके से फाइन, बहुत आराम से. और ये एक डॉट मैं अपने लाइक ऊपर यहाँ पे लिड पे अप्लाई कर लूँगी. इसी तरीके से मैं दूसरी आई पे अप्लाई करूंगी. ओके लाइक दिस, इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया है एंड यहाँ भी होता है मेरा स्किन केयर कंप्लीट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय गाइस, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय.